गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा मीडियम है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, टू पॉइंट्स के मध्य डेटा इंटरचेंज करते हैं, या आप कह सकते हो डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में जो हमें आवश्यक कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है और चैनल होता है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में हमने सिंप्लेक्स मोड के बारे में भी स्टडी किया था। इस क्लास में हम मॉड्यूलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलेटर बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या होता है, यदि हम टाइम के समय में, टाइम के सापेक्ष में यदि बात करें मॉड्यूलेशन की, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो कैरियर सिग्नल है उसकी जो विशेषताएं यानी करेक्टरिस्टिक्स होती है वो मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, वो ही क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन कहलाता है। और यदि हम आवृत्ति के सापेक्ष में यदि मॉड्यूलेशन की बात करें, तो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मॉड्यूलेटर वह यूनिट है जिसका प्रयोग मॉड्यूलेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर क्या है, एक यूनिट है या एक डिवाइस है जिसका प्रयोग क्या करता है, किसके लिए किया जाता है, मॉड्यूलेशन के लिए। तो अब बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि आपके लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित करेंगे, या आप कह सकते हो कि जो कैरियर सिग्नल है उसकी विशेषताओं को हम मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करेंगे। तो मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स को मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कैरियर सिग्नल की विशेषताओं को मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। या हम दूसरी डेफिनेशन यदि यहां पर दें इसकी, तो हम क्या लिखेंगे कि मॉड्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। तो हम क्या लिखेंगे दूसरी डेफिनेशन, मॉड्यूलेशन
वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों ही डेफिनेशन हमें ध्यान में रखनी है कि मॉड्यूलेटर एक वह यूनिट है या डिवाइस है जो क्या करता है, मॉड्यूलेशन की क्रिया संपन्न करता है। लेकिन मॉड्यूलेशन क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से कैरियर सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को हम क्या करते हैं, मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित करते हैं। और सेकंड डेफिनेशन भी कौन सी है, यदि आपको समय के सापेक्ष पूछा जाए तो कैरियर सिग्नल की विशेषताओं के संदर्भ में इसे दिया जाना है, और यदि आपको मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन आवृत्ति के संदर्भ में पूछा जाता है तो आप हमेशा क्या कहेंगे, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन कहलाती है। अब यदि हम बात करें मॉड्यूलेटर की, ठीक है, मॉड्यूलेटर ठीक है, तो यहां से आपने क्या अप्लाई किया, इसमें मैसेज सिग्नल ठीक है, और यहां पर आपने कौन सा दिया, कैरियर सिग्नल और यहां पर आपको कौन सा सिग्नल प्राप्त हुआ, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ठीक है। तो जो मैसेज सिग्नल है इसे हम एम ऑफ टी से प्रदर्शित करेंगे और कैरियर सिग्नल को सी ऑफ टी से प्रदर्शित करेंगे और मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एस ऑफ टी से प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि मैसेज सिग्नल होता है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो, तो ध्यान में रखना है ये लो फ्रीक्वेंसी क्या है, सिग्नल है। और जो कैरियर सिग्नल है ये कौन सा है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ये कौन सा है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। और मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ये भी क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। अब बात करते हैं सबसे पहले मैसेज सिग्नल की, कि मैसेज सिग्नल एक्चुअल में क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है यहां पर, मैसेज सिग्नल, ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है, और इसे ही बोलते हैं बेस बैंड सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि मैसेज सिग्नल को ही हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने मैसेज सिग्नल को लिखा एम ऑफ टी, यानी ये मैसेज सिग्नल है किसके सापेक्ष है,
समय के सापेक्ष। यहां पर मैंने लिखा ए एम, ए का मतलब एम्पलीट्यूड यानी आयाम है, किसका, मैसेज सिग्नल का, ठीक है। फिर लिखा कोस 2 पाई एफ एम इन टू टी प्लस 5, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो इसको 2 पाई एफ को आप ओमेगा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैसेज सिग्नल की मैंने समीकरण लिखी है एम ऑफ टी बराबर ए एम कोस 2 पाई एफ एम टी प्लस में 5, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है यहां पर कि इसकी जो एफ एम होगी वो बराबर किसके है, 1/T के, ठीक है, आप सभी को पता है। तो यहां पर यदि इसका आवर्तकाल यानी टाइमिंग अधिक होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमेशा कम होगी। तो ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मैसेज सिग्नल होता है उसका जो आवर्तकाल होता है वो अधिक होता है, इसलिए मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, कम होती है। तो यदि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं किसको, मैसेज सिग्नल को, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसका आयाम क्या है, एम। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, प्लस एम, और यहां पर क्या लिख दिया, माइनस एम, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर फाइ एम यानी कोण है कि कितना डिग्री कोण बनाता है। यदि ये यहां से स्टार्ट होता है तो फाइ एम का मान क्या होगा, 0। तो यहां अधिकतम से स्टार्ट होगा, कोस है तो कोस हमेशा अधिकतम से स्टार्ट होगी, वेवफॉर्म साइन होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो यहां पर इस प्रकार से आपने वेवफॉर्म बना दी, ठीक है। तो ये यहां से स्टार्ट हुई है वेवफॉर्म और कहां तक होगी, यहां तक, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आवर्तकाल हो गया टी, आवर्तकाल क्या हो गया, टी हो चुका है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मैसेज सिग्नल होता है, ठीक है, मैसेज सिग्नल होता है इसका आवर्तकाल अधिक होने के कारण फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी कम होती है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहां पर आयाम क्या है, एम प्लस में है और यहां पे माइनस में है, या यहां पर मैंने जो इक्वेशन ली है कोस में ली है, तो कोस की हमेशा वेवफॉर्म हमेशा अधिकतम से स्टार्ट होगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। अब देखिए ये जो आपने मैसेज सिग्नल लिया है ये समय के सापेक्ष है, यदि इसे आप क्या करते हो, आवर्ति में परिवर्तित करते हो, ठीक है, समय को आवर्ति में परिवर्तित करोगे तो आपकी जो नई वेवफॉर्म आएगी, यहां पर लिख लीजिए समय को आवर्ति में परिवर्तित करने पर, ठीक है, यानी कि मैसेज सिग्नल जो समय के सापेक्ष है उसे आप यदि आवर्ती में परिवर्तित करते हो, इसमें परिवर्तित करते हो, आवर्ती में परिवर्तित करते हो तो क्या चेंज आते हैं। तो आप इसको जब परिवर्तित करोगे तो आपका जो मैसेज सिग्नल होगा
वो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आएगा। तो यहां पर इसका ये मैक्सिमम क्या है आया। तो ध्यान में रखना है कि ये जो पॉइंट है वो है 1/T। आवर्ती में परिवर्तित करोगे तो ये क्या है, -1/T। ध्यान में रखना है कि यहां पर समय में दिए गए थे वेवफॉर्म, यहां पर हम किस में परिवर्तित कर रहे हैं, तो आवर्ती में। तो आपको पता है कि आवर्ती समय का क्या होगा, विपरीत होगा। तो 1/T और -1/T हो जाएगा। अब देखिए ये तो इसका क्या कहलाता है, मेन लूप। इसे हम क्या कहते हैं, मेन लूप बोलते हैं इसे, मेन लूप। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। और ये आपके क्या है, साइड लूप है। इनको क्या बोलते हैं, साइड लूप। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कि जो 95% एनर्जी होती है, 95% ऊर्जा होती है, वो मैन लूप में होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि मैन लूप में 95% एनर्जी होती है, जबकि साइड लूप में कितना होती है, 5% एनर्जी होती है। कितना प्रतिशत होती है, 5% होती है। अब यदि आप इसे लो पास फिल्टर से गुजारते हो, इसे इस सिग्नल को किससे गुजारोगे, लो पास फिल्टर से। ठीक है, तो आपको केवल सिग्नल कौन सा प्राप्त होगा, मेन लूप। ठीक है, एम ऑफ एफ यहां की -1/T और यहां की +1/T। ठीक है, तो आपको क्या होगा, लो पास फिल्टर क्या करेगा, केवल लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहां पर केवल यही सिग्नल प्राप्त होगा आपको। ठीक है, अब इसे मिटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो मैसेज सिग्नल है, ठीक है, जो मैसेज सिग्नल है ये प्राप्त हुआ फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये था 1/T और ये क्या था, -1/T था। तो यहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/T है। तो एफ एच हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/T, और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 0। तो एफ एल का मान कितना है, 0। तो बैंड विड्थ ध्यान में रखना है, तो बैंड विड्थ क्या होती है, एफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस एफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का मान 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंड विड्थ का मान हमेशा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैसेज सिग्नल बेस बैंड सिग्नल तभी कहलाता है जब उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैसेज सिग्नल बेस बैंड सिग्नल तब कहलाता है जब इसकी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ के बराबर हो।
किसके बराबर हो, बैंडविड्थ के बराबर हो। तो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैसेज सिग्नल बेस बैंड सिग्नल तब कहलाता है जब इसकी हाई फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ के क्या हो, बराबर हो। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर है, बैंडविड्थ के बराबर है। इसीलिए हम हमेशा ध्यान में रखना है कि मैसेज सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड कौन सा सिग्नल आता है, कैरियर सिग्नल आता है। कौन सा आता है, कैरियर। सेकंड कौन सा आता है, कैरियर, कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो जो कैरियर सिग्नल होता है उसको मैंने सी ऑफ टी से प्रदर्शित कर दिया। किससे प्रदर्शित कर दिया, सी ऑफ टी से। और इसका जो आयाम है कैरियर का वो रख दिया ए सी, किसमें, कोस टू पाई एफ सी टी प्लस में फाइव ऑफ सी। सेम समीकरण है, यहां मैसेज में क्या रखा था, एम रखा था कि वो मैसेज सिग्नल का आयाम था, ये कैरियर का आयाम है इसलिए ए सी रख दिया है, कोस टू पाई एफ सी टी प्लस फाइव सी। लेकिन इसमें कैरियर सिग्नल में और मैसेज सिग्नल में डिफरेंस ये होता है कि एफ सी बराबर वन बाई टी, यानी यहां पर कैरियर का जो आवर्त काल होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अधिक होती है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो कैरियर सिग्नल होता है उसकी आवृत्ति अधिक होती है जबकि आवर्त काल यानी टाइम क्या होता है, कम होता है। तो यहां पर यदि आप वेवफॉर्म बनाते हो, ठीक है, तो आयाम यहां पर प्लस क्या ले लिया, एसी, यहां पर क्या ले लिया, माइनस एसी, और फाइव सी जीरो। अधिकतम से कोस है तो अधिकतम से वेवफॉर्म स्टार्ट, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए यहां से स्टार्ट हुई ये वेवफॉर्म, यहां पर एक चक्कर कंप्लीट हो गया, तो ये इसका क्या है, आवर्तकाल टी, आवर्तकाल क्या है, टी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कैरियर सिग्नल होता है तो कैरियर सिग्नल की आवृत्ति उच्च होती है क्योंकि इसका आवर्तकाल क्या होता है, कम होता है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि मॉड्यूलेटर क्या करता है, मॉड्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है वो किस में परिवर्तित होगा, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में। तो यहाँ पर अब यदि मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बात करें, हम किसकी बात करें, मॉड्यूलेटेड सिग्नल की, तो नेक्स्ट थर्ड कौन सा है आपका, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल कौन सा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस ऑफ टी से। मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या होगा आपका, मैसेज सिग्नल एम ऑफ टी और कैरियर सिग्नल का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यानी गुणन होगा। तो ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है वो क्या होता है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है यानी गुणन होता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, ठीक है,
तो उसका आयाम हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपका जो सिग्नल होगा वो शिफ्ट हो जाता है। कैसे, देखिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल था आपके पास, कौन सा, ये मैसेज सिग्नल था M of F मान लीजिए, ठीक है, किसके संदर्भ में है ये, फ्रीक्वेंसी, ये आपका क्या था, मैसेज सिग्नल था। इसका आयाम मान लेता हूं मैं कि आपने इसका आयाम मान लिया AM है, ठीक है, क्या मान लिया आपने, AM मान लिया है, ठीक है। अब देखिए, और यदि आप यहां पर इसके स्थान पे किससे गुणा करा रहे हो, मैसेज सिग्नल को किससे गुणा करा रहे हो, कैरियर से, ठीक है, तो यहां पर मैं इसे कैरियर सिग्नल ले लेता हूं, क्योंकि मॉड्यूलेशन में हमेशा क्या होता है कि कैरियर सिग्नल की विशेषताएं होती है वो ही परिवर्तित होती है किसके अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार, ठीक है। तो यहां पर मैंने कौन सा ले लिया है, कैरियर ले लिया है, ठीक है, तो ये आपका सिग्नल है। तो इसका आयाम मान लिया मैंने AC, ठीक है, और यहां पर ओमेगा और ये माइनस ओमेगा, ये इसकी क्या है, बैंडविड्थ है, बैंड की चौड़ाई है। तो जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा M O F आवृत्ति के संदर्भ, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। आयाम क्या हो जाता है, हमेशा आधा हो जाता है। यहां पे कैरियर का आयाम क्या था, AC, तो यहां पर इसका आयाम क्या होगा, AC/2, ठीक है, और यहां पर इसकी आवृत्ति मान लेते हैं मध्य की -FC और यहां की क्या थी, FC, यानी यहां पर था ये, तो ये क्या हो गया, FC इधर शिफ्ट हो गया है, तो ये तो हो गया FC-ओमेगा और ये क्या हो गया, FC+ओमेगा, ठीक है। यहां पर -FC-ओमेगा, यहां पे -FC+ओमेगा, तो यहां पर पॉइंट दो ध्यान में रखने वाले हैं कि जब भी आप सिग्नल को मॉड्यूलेटेड करोगे तो कैरियर का आयाम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि यहां पर, यदि इसके बैंडविड्थ की बात करें, यहां से इसकी बैंडविड्थ की बात करें, तो ये क्या है, आपका लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का मान तो कितना है, यहां से FC+ओमेगा, और लो फ्रीक्वेंसी का मान क्या है, FL=FC-ओमेगा। तो बैंडविड्थ निकाल दीजिए, ठीक है, तो क्या होगा, F हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो रख दीजिए मान FC+ओमेगा माइनस, ये रखो FC-+ओमेगा, तो ये FC से FC कैंसिल हो गया, तो बैंडविड्थ कितनी हो चुकी है, बैंडविड्थ बराबर 2 ओमेगा हो चुकी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना है आपको इस बात को कि जब भी आप सिग्नल को क्या करते हो, मॉड्यूलेटेड करते हो, भले ही वो AM मॉड्यूलेशन हो, भले ही FM हो या PM हो, ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कैरियर सिग्नल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ही मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है। तो यहां पर मैंने कैरियर लिया था, तो कैरियर का आयाम क्या था, AC था। अब आपने इसे मॉड्यूलेटेड किया तो आपको सिर्फ बात यही ध्यान में रखनी है कि इसका आयाम आधा हो जाता है और सिग्नल क्या होता है, FC आवर्ती साइड में शिफ्ट हो जाता है, ये इधर FC
और एफ सी इधर। तो अब आपने क्या किया, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली, एफ एच का मान कितना है यहां से एफ सी प्लस ओमेगा, और यहां पर क्या है एफ सी माइनस ओमेगा। तो आपने बैंडविड्थ निकाल ली, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी होती है, 2 ओमेगा होती है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। एक पॉइंट और है, उसे भी आपको ध्यान में रखना है, कि हमने देखा कि जो मैसेज सिग्नल था, क्या था, मैसेज सिग्नल था, मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ ओनली क्या थी, एफ एस थी। यहां पर क्या हो रही है, डबल हो रही है, ठीक है। तो यहां पर पॉइंट्स हमें क्या लिखने हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ठीक है, पॉइंट ध्यान में रखना है, पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का आयाम कैरियर सिग्नल का आधा एसी बटे दो लिख सकते हो होता है, होता है, तथा सिग्नल एफसी आवर्ती शिफ्ट हो जाता है, पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो आयाम होता है वो कैरियर सिग्नल का आधा हो जाता है, तथा सिग्नल की आवृत्ति क्या हो जाती है, एफसी शिफ्ट हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि यदि आपकी क्या होती है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी लगभग यदि बराबर होती है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, बैंड पास फिल्टर की तरह कार्य करता है, बैंड पास फिल्टर। अब ध्यान में रखना है इन पॉइंट्स को, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहां पर कंडीशन भी दी जाती है कि यदि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर होती है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, बैंड पास फिल्टर की तरह व्यवहार करता है। और यदि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बैंड विड्थ से अधिक होती है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है, तो हमेशा ध्यान में रखना है वो नैरो पास फिल्टर, ठीक है। और यदि इन दोनों का मान लगभग बराबर होता है, लगभग क्या होता है, बराबर होता है, तो उस कंडीशन में ये कौन सा होता है, वाइड बैंड फिल्टर कहलाता है। ये तीनों कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि यदि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के लगभग बराबर होती है तो वो बैंड पास फिल्टर कहलाता है, और यदि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ में ये रिलेशन होता है तो नैरो पास बैंड फिल्टर कहलाता है, और इस कंडीशन में ये क्या कहलाता है, वाइड। ये आपको मैंने डायरेक्ट कंडीशन दी है क्योंकि आपके सिलेबस में डिटेल्ड स्टडी नहीं है, इसलिए ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे और क्या क्या पूछा जाता है कि आपका जो 2G होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या रहती है, आप सभी को पता है
3G की क्या रहती है, 4G की क्या रहती है, पिछली क्लास में मैंने बताया भी था, तो ध्यान में रखना है। 2G होता है, इसकी कितनी रहती है, 900 मेगाहर्ट्ज से 1800 मेगाहर्ट्ज तक रहती है 2G की। और जो 3G होता है आपका, 3G, इस 3G की होती है 2100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। और जो 4G है आपका, या LTE है या 5G है, इनकी हमेशा रहती है कितनी, 2600 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है। और आपका जो रेडियो है, रेडियो है तो रेडियो में दो बैंड हैं, एक तो AM होगा आपका और दूसरा होगा कौन सा, FM। तो AM है, AM बैंड है, इसकी आपकी रहती है 550 मेगाहर्ट्ज से 550 किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज से 1650 किलोहर्ट्ज के मध्य रहता है। और यहां पर इसकी रहती है 88 मेगाहर्ट्ज से आपकी रहती है 108 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रहती है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंडविड्थ क्या होगी, तो इसमें से इसको घटा देना है तो बैंडविड्थ आ जाएगी। तो ध्यान में रखना है कि रेडियो के दो मोड है, AM और FM। AM की फ्रीक्वेंसी रेंज ये रहती है, FM की फ्रीक्वेंसी रेंज ये रहती है। एक होता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, इसमें जैसे यहाँ पर आपका क्या है, उपग्रह है, ये तो होता है आपका यहाँ से अपलिंक, और यहाँ पर आपका क्या है, डाउनलिंक, ठीक है। तो यहाँ से तो सिग्नल ऊपर भेजे जाते हैं, वो तो क्या कहलाता है, अपलिंक। और जहाँ से सिग्नल नीचे की तरफ जाता है वो क्या कहलाता है, डाउनलिंक। तो अपलिंक, और ये कौन सा आपका, डाउनलिंक, ठीक है। तो अपलिंक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 6 गीगाहर्ट्ज, और डाउनलिंक है, इसकी रहती है 4 गीगाहर्ट्ज। ये पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेशन के क्या क्या प्रभाव हैं। तो मॉड्यूलेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित कर सकते हो, नैरो बैंड को वाइड बैंड में परिवर्तित कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो पास बैंड है उसे आप किस में, बेस बैंड में भी चेंज कर सकते हो। तो ये मॉड्यूलेशन के प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डीमॉड्यूलेशन और चैनल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।